हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और ये आपकी बेटा इंग्लिश की 7th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 32 और जो माय डेट है वो है 1 फरवरी 2021। और बच्चों यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपने टीचर का नाम लिखना है। तो बच्चों शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी बेटा हिट कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वर्कशीट क्या है? एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, ये आपका चैप्टर का नाम है। अब तक जो स्टोरी हमने पढ़ी है वो एक बार देख लेते हैं, क्या पढ़ी है। कि द डॉग लीड द ओल्ड कपल टू अ पाइल ऑफ गोल्ड, द नेबर्स ट्राई टू फाइंड द गोल्ड इन द सेम मैनर। कि जो डॉग होता है वो ओल्ड कपल को क्या है, उनको मतलब गोल्ड के पास, जहाँ पे गोल्ड होता है उनको वहाँ पे ले जाता है, मतलब लीड करता है कि यहाँ पे गोल्ड है। सेम मैनर में जो वीकड जो नेबर होते हैं उनके, वो भी सेम मैनर में ऐसा ही करते हैं गोल्ड पाने के लिए, जैसे जो है अच्छे कपल करते हैं। व्हेन दे डिड नॉट, दे किल द डॉग, जब उन्हें क्या है सोना नहीं मिलता तो वो क्या है डॉग को मार देते हैं। द डॉग्स स्पिरिट वंस अगेन गाइडेड द गोल्ड गुड ओल्ड कपल बाय अपीयरिंग इन हिज ड्रीम। तो डॉग की जो स्पिरिट होती है, डॉग की जो आत्मा होती है, फिर से अच्छे कपल को क्या वो गाइड करती है कि आप किस तरीके से सोना प्राप्त कर सकते हैं। एंड लेट देम टू मेकिंग गोल्ड बाय मेकिंग मिल एंड मोर्टल फ्रॉम द ट्री। और कैसे मतलब वो ट्री और ट्री से वो मोटर और मिल बना के क्या है वो किस तरीके से क्या है गोल्ड प्राप्त कर सकते हैं, उसकी जो स्पिरिट होती है डॉग की वो उनको बताता है। उसके आगे हम पढ़ते हैं, मीन वाइल द एनवियस इनवियस, इनवियस माने क्या होता है, इनवियस माने होता है जीएलएस ठीक, जलन वाले जो लोग होते हैं वो, ठीक है। इन मीन वाइल द इनवियस नेबर पीप्ड एट इन एट द विंडो व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंडेड। के जो पीप्ड माने तो झांकना होता है, कि उस दौरान क्या होता है कि जो जलन खोड़ जलन जलने वाले जो पड़ोसी होते हैं वो खिड़की से झांक रहे होते हैं और देखते हैं कि जो उबलते हुए बीन होते हैं वो, ठीक है, उबलते हुए बीन्स पीसने के लिए जब वो डालते हैं ना ओल्ड कपल जो अच्छे वाले होते हैं उनको, वो देख रहा होता है वहाँ से झांक के, ठीक है। फिर क्या होता है, गोडी मी क्राइड द ओल्ड हैग, जो वो जो विक्ड मतलब जो मतलब जलन खोर वाले जो नेबर होते हैं वो कहते हैं कि हे भगवान, एज शी सो द ईच ड्रिपिंग ऑफ सोस टर्निंग इन टू येल्लो गोल्ड। के वो मतलब जैसे जैसे देखते हैं कि जो सोस जैसे जैसे सोस ड्रिपिंग मतलब जो हर सोस जो होती है एकदम वो क्या है येल्लो गोल्ड में चेंज हो जाती है, तो वो उसको देखते देखते बोलते हैं हे भगवान, ठीक है। वो देखते ऐसे मतलब देखते हैं कि मतलब जो सोस होती है वो क्या है पीले सोने में चेंज हो रही है, तो वो भगवान को कहते हैं हे भगवान, ठीक है। एंड इन अ फ्यू मिनट द टब अंडर द मिल वाज फुल ऑफ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो कुछ ही क्षणों में क्या चक्की का जो बर्तन होता है सोने से नहीं भर जो मतलब वो क्या है सोने से भर जाता है, ठीक है। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, तो मतलब वो क्या है जो टब होता है वो दोबारे से क्या होता है गोल्ड से भर जाता है, जो टब होता है वो गोल्ड से भर जाता है, और फिर से क्या है जो ओल्ड कपल होता है जो अच्छे कपल होता है मतलब वो क्या है फिर से वो क्या है अमीर हो जाते हैं। द नेक्स्ट डे स्टिंग एंड विक्ड नेबर, जो मतलब बहुत ही चिढ़ने वाले और स्टिंग जो नेबर होते हैं, स्टिंग माने होता है कंजूस, ठीक है, और विक्ड माने जो मतलब धूर्त होते हैं वो जो नेबर होते हैं उसके, केम एंड बोरोड द मोटर एंड द मैजिक मील, वो उनसे क्या है मोटर और मैजिक मील उनसे क्या है वो बोरो करने आते हैं मांगने आते हैं उनसे, ठीक है, उधार। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड अदर विद बीन्स, वो एक को क्या है बॉइल्ड राइस से भर देते हैं और दूसरे को बीन्स से भर देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ऐसा करने से हम भी क्या है अमीर हो जाएंगे। देन द ओल्ड मैन कौन है जो विकड है, बिगन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड, वो क्या है उसको जो ओल्ड वुमेन होती है वो क्या होती है उसको मतलब ग्राइंड करना शुरू करती है, दूसरा उसको पाउंड मतलब उसको भरना शुरू कर देता है। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, ठीक है, लेकिन पहले ही मतलब उसको चोट करने के बाद मतलब उसको टर्न जैसे करते हैं ना उसमें मतलब जो मोटा उसमें मतलब उसको टर्न करते हैं उसमें क्या होता है द पेस्ट्री एंड सोस टर्न इन टू फॉल ऑफ मास ऑफ वॉर्म, लेकिन वो जैसे ही उसको मोटाल में करते हैं तो जैसे ही करते हैं तो वो जो उसका जो वो क्या होता है एक ही बहुत ही सड़े हुए वॉर्म्स माने जो कीड़े होते हैं उसके उसमें चेंज हो जाता है उसकी सारी सोस। इस मोर एंग्री एट दिस, वो क्या है इसको देख के कि हमारा जो हम भी उसी तरीके से कर रहे हैं लेकिन जो हमारा जो सोस और पेस्ट्री एक तो बदबूदार कीड़ों में चेंज हो गई, तो उसको देख के वो क्या है बहुत ही क्या है वो गुस्सा हो जाते हैं। एंड दे चॉप द मिल इन टू पीसीस, और वो जो जो उनसे मांग के लाते हैं वो मिल उसको क्या है वो छोटे छोटे टुकड़ों में
जो है काट, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में वो क्या है उसको काट देते हैं, और काट देते हैं टू यूज़ एज फायरवुड, और उसको क्या है फायरवुड मतलब उसको जलाने के लिए यूज़ करते हैं। क्यों काट देते हैं? क्योंकि जो उसने फायरवुड मारते हैं उसको जो जो मोर्टार होता है वो क्या है लकड़ी का ही वो बनाते हैं, तो उसको वो गुस्सा होके कि हमारा तो ये बन ही ना, उसको वो छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया। अब हम इसे क्वेश्चन क्वेश्चन पे आते हैं कि द मैच द फ्लोइंग एंड वर्ड मीनिंग विद द करेक्ट पिक्चर। इसके जो मीनिंग है वो देखो सही दे रखे हैं, जैसे इनवियस माने जेलियस ही होता है, जलन होता है, ठीक है बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जो हमारा मिलाना है क्या है ये वाला, ये जल रहा है ये क्या है फर्स्ट पे आएगा। ठीक है, फायरवुड, फायरवुड मतलब कि द वुड यूज फॉर फ्यूल, जो फूड जो वुड होती है लकड़ी होती है वो क्या है ईंधन के रूप में काम आती है, जो वर्ड मीनिंग इसका बिल्कुल सही है। इसका आंसर ये क्या है, इसका सही क्या है ये वाला, सेकंड क्या है ये वाला। अब है विक्ड, विक्ड माने कि इविल और मोरली रॉन्ग, इविल मतलब बहुत ही इविल धूर्त जो होते हैं वो होते हैं, और वो क्या है ये, ठीक है हमारा ये क्या है बिल्कुल सही है, और थर्ड क्या है हमारा ये वाला पिक्चर। ठीक है, वर्म्स क्या क्रीपिंग इंसेक्ट जो क्रीप करते हैं जो रेंगते हैं, ये हमारा फोर्थ है, ये इससे बिल्कुल सही मिला हुआ है। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्या है हमारा कि रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर। व्हाट डिड द एनवियस नेबर सी व्हेन शी पिप्ड इट इन एट द विंडो, के जब वो विंडो में झांकती है तो उन्हें क्या दिखाई देता है, डॉग शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड फॉल मास ऑफ वर्म्स या वुड, उन्हें क्या दिखाया था, उन्हें क्या दिखाया था शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, उन्हें क्या है एक मतलब सोने का मास दिखाई देता, तो हमारा आंसर क्या आएगा सेकंड बी। नेक्स्ट है कि व्हाई डिड द एनवियस नेबर चॉप द मिल इनटू पीसेस, के जो एनवियस इनवियस जो नेबर थे मतलब जलनखोर जो नेबर थे उन्होंने जो मिल थी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों काट दिया था, क्यों, बिकॉज इट वॉज ब्रोकन, क्यों क्या क्यों वो टूट गया था, या बिकॉज इट डिड नॉट टर्न द पेस्ट्री एंड सोर्स इन टू फॉल मास ऑफ वर्म्स, के क्या वो जो पेस्ट्री और मास को क्या वो वर्म्स में चेंज नहीं कर रहा था, या बिकॉज इट डिड नॉट टर्न द पेस्ट्री एंड सोर्स इन टू मास ऑफ गोल्ड, या वो क्या है पेस्ट्री और सोर्स के को क्या है सोने में चेंज नहीं कर रहा था, बिकॉज दे वॉन्टेड फायरवुड, उनमें से क्या होगा, तो क्या होगा सी, क्यों, क्योंकि वो जो उनकी सोर्स थी और पेस्ट्री थी उसको मास उसको मास ऑफ गोल्ड में चेंज नहीं कर रहा था, क्या आएगा हमारा सी। तो बच्चों ये आपकी आज की बेटा वर्कशीट है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी हो, तो बच्चों लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, साथ में हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, हमेशा खुश रहिए, कोविड 19 से बच के रहिए, बाय बच्चों।